press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिवाली स्टेस 2020 का नया वीडियो, जिसके अंदर हमारे पास ढेर सारे क्रैकर दिवाली के, जिनकी हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और देखने वाले हैं उनका प्राइस रेट क्या है, एक पीस हमें कितने का पड़ जाता है और एक बॉक्स के अंदर हमें कितने पीसेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हमारे पास नए तरह के पटाखे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों नए नए पटाखों के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और उस घंटे बटन को भी दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास है यहाँ पे बहुत सारे क्रैकर, तो इनकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक से। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इस वाले बॉक्स के, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास मुर्गा छाप की तरफ से आती है एक ग्राउंड चक्कर, जिसकी ये है 45 सेंटीमीटर लंबी। और यहाँ पे अगर इसके पीसेस की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे, जो हम आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे देख सकते हैं 10 पीस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 पीस इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे इसके प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे पड़ी है तकरीबन 120 रुपये का आपको ये बॉक्स पड़ जाएगा, यानी कि एक पीस आपको 12 रुपये का पड़ जाएगा। काफ़ी अच्छा चक्री है दोस्तों, मुर्गा छाप की कुक ब्रांड की हमारे पास ये चक्री है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ये क्रेजी किड्स के नाम से, जो कि हमारे पास क्रैकर है और यहाँ पे ये आता है हमारे पास बिल्कुल चिटपुट की तरह होता है और इसके अंदर हमें 10 पीस देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, हमें आप देख सकते हैं हमें क्रैकर इसके अंदर चिटपुट देखने को मिलती हैं और एक पीस आपको तकरीबन पड़ जाएगा 6 रुपये का, ये 60 रुपये का एक बॉक्स आ जाता है 10 पीस वाला। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मुर्गा छाप की तरफ से, यह हमारे पास हमने कुक ब्रांड के काफ़ी सारे पटाखे खरीदे हुए हैं और ये दोस्तों हमारे पास है बुलेट बॉम, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, 10 पीस इसके अंदर हमारे पास हैं और ये एक बॉक्स आपको तकरीबन पड़ जाएगा 40 रुपये का, एक पीस आपको 4 रुपये का पड़ जाएगा। काफ़ी अच्छा हमारे पास बुलेट बॉम है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये, तो ये हमारे पास हैं छोटे वाले पटाखे, जिसके अंदर से थोड़े सा अनार चलता है, उसके बाद इसके अंदर से पटाखे चलते हैं। ये मुझे पड़ा है 40 रुपये का एक बॉक्स। और अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरह के कुछ इसके अंदर से क्रैकर देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं। ये मुझे 40 रुपये का बॉक्स पड़ा है तकरीबन, और इसके अंदर हमें तकरीबन 15 से 20 पीस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे छोटे वाले अनार के बारे में, तो वो कि आप देख सकते हैं सनशाइन की तरफ से आते हैं फ्लावर पोर्ट्स, और इनको मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो वो जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी छोटे अनार हैं, मीडियम साइज़ के अनार, इसके अंदर हमें 10 पीस देखने को मिलते हैं। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये पड़ा है तकरीबन 80 रुपये का एक बॉक्स, और तकरीबन आपको 8 रुपये का एक बॉक्स एक जो है अनार वो देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने जो है यहाँ पे प्राइस इनका काफ़ी ज़्यादा ही लिखा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे स्काई शॉट की तरफ से, जो कि हमारे पास आते हैं कुक ब्रांड के मुर्गा छाप के काफ़ी अच्छे स्काई शॉट हैं, और यहाँ पे तीन तरह के स्काई शॉट इसके अंदर दिए गए हैं। एक जिन तीनों का तीनों हमारे पास ये पड़ा है 60 रुपये का, एक आपको स्काई शॉट तकरीबन पड़ जाएगा तकरीबन 20 रुपये का, एक आपको स्काई शॉट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा स्काई शॉट है। और इसके ऊपर जाने के बाद इसकी लाइटिंग जो है वो रहने वाली है ग्रीन, इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कलर ग्रीन स्टार्स, इसके ऊपर स्टार निकलने वाले हैं वो ग्रीन कलर के। उसके बाद ये है हमारे पास कलर वाला फंक्शन क्रैकर, तो ये मुझे पड़ा है तकरीबन 40 रुपये का। और उसके बाद ये है हमारे पास पांडा की तरफ से आती हैं मिर्ची बॉम बोल सकते हैं या रेड बिजली बॉम बोल सकते हैं, ये तकरीबन 12 से 13 रुपये का आपको पड़ जाएगा, ये इसके अंदर हमारे पास दो पीस हैं। उसके बाद ये हमारे पास आप देख सकते हैं अनिल ब्रांड की तरफ से आते हैं काफ़ी सारे पटाखे इसके अंदर, और इसके अंदर है हमारे पास छोटे वाले अनार, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें छोटे अनार देखने को मिलते हैं, इनका साइज़ है काफ़ी छोटा, और ये एक इसके अंदर बॉक्स के अंदर हमें 25 पीसेस देखने को मिलते हैं, और ये एक बॉक्स आपको तकरीबन 60 रुपये का पड़ जाएगा। अब एक का हिसाब अपने आप से लगा लेना कि आपको एक पीस कितने का पड़ेगा। उसके बाद ये हमारे पास है रेड बिजली बॉम मिर्ची बॉम, जो कि हमारे पास दो लड़ियाँ हैं, और ये एक मुझे 13 रुपये की पड़ जाती है, दोनों की दोनों 26 रुपये की, और एक के अंदर हमारे पास 13 से 14, इसके पास जो है 13 से 14 जो हमारे पास पटाखे मिल जाते हैं एक इसके अंदर।
और ये आती है हमारे पास ताज ब्रांड की तरफ से। उसके बाद बात करेंगे अगले के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं कलर स्मोक फंक्शन, जो कि एक बॉक्स आता है जो कि हमारे पास होली पे जो हम यूज़ करते हैं कलर स्मोक, उसकी तरह ही बिल्कुल क्रैकर है। इसके अंदर से पहले हमारे पास निकलता है रंगीन धुआं, उसके बाद फटता है एक बड़ा सारा पटाखा जो कि आप देख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें 5 पीस देखने को मिल जाते हैं, और अगर यहाँ पर इसके प्राइस की बात की जाए तो हमें यहाँ पर ये पड़ी है तकरीबन दोस्तों ये मुझे पड़ी है तकरीबन 25 रुपये की, एक पीस आपको 5 रुपये का पड़ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बटरफ्लाई के बारे में, तो कलर्स चेंजिंग बटरफ्लाई नाम का ये पटाखा जो कि बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही उड़ता है, यानी कि डांस करता है। और यहाँ पे इसके अंदर हमें यहाँ पे 10 पीस जो है दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके प्राइस की बात की जाए तो ये 70 रुपये का है, एक पीस आपको 7 रुपये का पड़ जाएगा, 10 पीस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे निंजा क्रैक चक्कर की तरफ से आते हैं हमारे पास ये स्काई शॉट, जिसके अंदर से हमारे पास चक्री भी निकलती है उसके बाद चलने के बाद। और ये एक आपको 35 रुपये का एक पीस पड़ जाएगा, दोनों पीस आपको 70 रुपये का बॉक्स पड़ जाएगा। ये दो तरह के हमारे पास इसके अंदर हैं। और ये हमारे पास लैला मजनू जो कि कृष्णा छाप की तरफ से आता है, और इसके अंदर हमारे पास 5 पीस देखने को मिल जाते हैं इस बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें क्रैकर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर से पहले चलता है नाग, उसके बाद इसके अंदर से चलता है पटाखा, और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 100 रुपये का एक बॉक्स, यानी कि एक पीस आपको 20 रुपये का पड़ जाएगा लैला मजनू का। इसके अंदर हमें 5 पीस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है मुर्गा छाप की तरफ से आने वाला ये एक बड़ा सारा रॉकेट, जिसके अंदर है हमारे पास कुछ इस तरीके से रॉकेट जो कि आप देख सकते हैं मुर्गा छाप, इन पे लोगो भी इनका दिया गया है। ये हमारे पास मुर्गा छाप की तरफ से आते हैं, 10 पीस का ये बॉक्स है, और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 150 रुपये का, एक पीस आपको तकरीबन 15 रुपये का पड़ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास सिटी वाली चक्री जो कि आती है स्टैंडर्ड की तरफ से फायरवर्कर्स, और इसके अंदर हमें 5 पीस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो हमें ये पड़ी है तकरीबन 100 रुपये की, जी हाँ दोस्तों, एक पीस आपको 20 रुपये का पड़ जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सिटी वाली जो है चक्री का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ 3 इसके अंदर बाइंडिंग की गई है, डंडे से दिए गए हैं, इनको हमें लगानी है आग। तो उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हमारे पास मैजिक स्काई शॉट का एक बॉक्स आता है, जिसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमें 10 पीस देखने को मिलते हैं, जी हाँ दोस्तों। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे इसके अंदर हमें 10 पीस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये पड़ता है तकरीबन 100 रुपये का एक बॉक्स, यानी कि एक स्काई शॉट आपको 10 रुपये का पड़ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास 10 स्काई शॉट देखने को मिलते हैं। अगर इसको ओपन करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर स्काई शॉट देखने को मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं। और इसके पास में यहाँ पे इसको रखकर चलाने वाला वो जो दिया भी गया है ताकि ये हिले डुले ना। ये एक 10 पीस इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 100 रुपये का आपको ये एक बॉक्स पड़ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अगले के बारे में, तो यहाँ पे ये फ्लावर पॉट्स जो कि बड़े वाले अनार हैं, यहाँ पे इतने भी बड़े नहीं हैं, ठीक है। और ये इस पहले मैं आपको इसको ओपन को बॉक्स को ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमें इसके अंदर अनार देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पे इसके प्राइस की बात की जाए तो ये तकरीबन 80 रुपये का पड़ जाता है एक बॉक्स, यानी कि एक पीस आपको 8 रुपये का पड़ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास 10 पीस देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे पास सनशाइन की तरफ से आते हैं फ्लावर पॉट्स। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे A1 लार्ज ग्रीन सूटलीबम इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन लार्ज है नहीं इतने। मैं आपको बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से इसके अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमें इसके अंदर सूतलीबम देखने को मिलते हैं, काफ़ी छोटे सूतलीबम हैं जो कि हमें चोर्स के अंदर पड़ जाते हैं। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये पड़ा है तकरीबन 70 रुपये का एक बॉक्स, यानी कि एक आपको सूतलीबम तकरीबन 7 रुपये का पड़ जाएगा। यहाँ पे 10 जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं सूतलीबम, और यहाँ पे A1 की तरफ से ये हमारे पास आता है। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हमारे पास, तो ये देख सकते हैं हमारे पास पोगो ग्रीन हमारे पास स्काई शॉट है, 2 स्काई शॉट हैं, एक स्काई शॉट तकरीबन आपको 25 रुपये का पड़ जाएगा, ये 50 रुपये का है। और इसके अंदर हमें 2 स्काई शॉट देखने को मिलते हैं, और ये ग्रीन स्काई शॉट है, इसके ऊपर जाने के बाद ग्रीन तरह का स्टार हमें ये दिखाएगा, ये पोगो ग्रीन। और ये हमें आता है अयान ब्रांड की तरफ से, हमारे पास ये मिल जाता है, 2 तरह के 50 रुपये के पड़ जाएंगे, 25 रुपये का एक पीस आपको
पड़ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अगले बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है मैजिक पेंसिल जो कि हमारे पास कुक ब्रांड की तरफ से आती है। काफ़ी अच्छी पेंसिल है, इसके अंदर हमें दोस्तों यहाँ पे 20 पीसेज देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन भी इन्होंने किया हुआ है 20 पीसेज। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे पड़ी है तकरीबन 80 रुपये की एक बॉक्स। इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 4 रुपये का आपको एक पीस पड़ जाएगा। अगर इसको ओपन करके मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमें इसके अंदर पेंसिल जो है वो देखने को मिलती हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसको अलग से ख़रीदना चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास अगले बॉक्स के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं हमारे पास अगला बॉक्स है जो कि आता है राजा वीआईपी की तरफ से राजा। इसके अंदर हमारे पास 10 पीस देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़ा सूतली बम है। और अगर यहाँ पे इसके पीस की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 10 पीस देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा वीआईपी सूतली बम है। काफ़ी बड़ा इसके ऊपर लिखा भी हुआ है वीआईपी सुपर बोम। जी हाँ दोस्तों, बड़ा काफ़ी बड़ा सूतली बम है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे ये 150 रुपये का एक बॉक्स पड़ जाता है, तकरीबन आपको एक जो है पीस वो 15 रुपये का पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा सूतली बम है। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि किस तरह से कितने के पटाखे हमें लगभग ये पड़ जाते हैं, एक बॉक्स कितने रुपए का पड़ जाता है और उसके अंदर कितने हमारे पास पीसेस देखने को मिलती हैं और एक पीस आपको कितने का पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो करना आपको एक लाइक, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो खास कर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो काफ़ी सारी मैंने पहले वाली वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें जो हमने स्ट्रेस की भी डाली हुई है और टेस्टिंग की वीडियो डाली हुई है, तो वो जो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।